योगपद संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस बार हम एक ऐसी वीडियो लेके हैं जिसमें मोटापे के बारे में बताया जाएगा। मोटापा एक ऐसी समस्या है, लोग इसके लिए डाइटिंग करते हैं और ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे उनके शरीर में कमजोरी आ जाती है, या फिर वो ऐसी विधियाँ अपनाते हैं जो जल्दी से वेट तो कम हो जाता है लेकिन लंबे समय में उनके शरीर में ऐसे रोग पैदा हो जाते हैं, जैसे किडनी के ऊपर असर होता है, हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम पड़ती है और उनके मस्तिष्क के रोग पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है शरीर में से मोटापा कम करने के लिए प्राणायाम का और आसनों का अभ्यास करना। वैसे तो प्राणायाम बहुत ज़्यादा है लेकिन जो सीधा मोटापे से जुड़े हुए हैं वो प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसमें आपको आज सिखाएंगे 3 प्राणायाम और 2 आसन। अगर आप इसका अभ्यास तीनों प्राणायामों का, उसमें से जो कपालभाति प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम है, उसका अभ्यास थोड़ा रुक रुक के भी कर सकते हैं, राउंड में भी कर सकते हैं, तो 10 से 15 मिनट करेंगे तो 5 दिन के अंदर अंदर आपका 3 से 4 किलो वेट कम होना निश्चित ही है। फिर थोड़ा सा खाने के ऊपर ध्यान रखना आपने, कि खाना आपने फलों को ज़्यादा 70 से 80% फल और रेशे वाली सब्जियाँ हो हमारे अंदर और अन्न कम हो, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे अंदर कम जाए। तो चलिए पहले करते हैं हम 3 प्राणायाम। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास अनु मैडम है, ये हमारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट है। तो प्राणायाम कैसे करना है देखिए, सबसे पहले ऐसे सीधे बैठना है। हमारे बैठने का जो ढंग है वो हमारे प्राणायाम में बहुत आगे तक लेके जाते हैं, हमें लाभ देता है। सीधा बैठना है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, पद्मासन, सुखासन, जो भी आपको सहज लगता है उस पर, यहाँ तक कि चेयर पर बैठ के, बेड पर बैठ के भी इन आसनों को किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें क्या करना होता है कि श्वास को लंबा भरना धीरे धीरे, और फिर अंदर होल्ड कर लेना है, श्वास को भीतर अंदर भर लेके रोकना है और उसके बाद में एक साथ श्वास बाहर निकालना, फिर से ऐसे श्वास को भरना, अंदर रोकना। रोकने से क्या होता है, श्वास जब अंदर जाता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो अंदर से हमारे ऊर्जा, गर्मी, अग्नि पैदा होती है जो फैट को जला देती है, फिर श्वास को बाहर निकलना। तो ये है पहला प्राणायाम। अब दूसरा प्राणायाम है कपालभाति, लेकिन इसको करने का ढंग सीखना हमने, जैसे घुटनों को पकड़ लेना है दोनों हाथों से। इससे क्या होगा कि आप जब स्ट्रोक लगाएंगे तो आपके शरीर में ज़्यादा हलचल नहीं होगी। और मूल बंद लगाना है तीनों प्राणायाम, मूल बंद निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींच के रखना है, और कपालभाति में श्वास भरने छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ श्वास को बाहर फेंकना है। बस शुरू करें ऐसे, और एक बार श्वास छोड़ने और दूसरे श्वास छोड़ने में थोड़ा सा गैप देना है, पेट मेरा बिल्कुल ढीला रहे, ढीला पेट छोड़ के फिर उसको खींचना है श्वास को बाहर। मेरा ध्यान जो है वो नाभि वाले क्षेत्र पर रहना चाहिए। बहुत लोग मैंने देखा है श्वास को फेंकने में लग जाते हैं और नाक से उनके बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो मेरी नासिकाओं से ज़्यादा आवाज चाहे ना आए लेकिन मेरी नाभि की मूवमेंट आगे पीछे हो। 1 मिनट में 40 से 50 बार, 60 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको 3 मिनट 4 मिनट करते हैं और थक जाते हैं तो थोड़ा रुक जाना, जैसे अभी देखिए रुक जाएंगे, और रुकते हुए हिलना नहीं है। कई बार क्या होता है जब हम प्राणायाम रुकते हैं करके तो हम फटाफट दूसरा कोई काम करने लग जाते हैं, हिला लेते हैं शरीर को, तो उससे लाभ बहुत कम हो जाते हैं। तो उसमें हिलना नहीं, फिर से एक बार फिर से राउंड ये कर सकते हैं ऐसे। आप अपनी क्षमता के अनुसार पहले 3 मिनट का पहले दिन, फिर रुक के 1 मिनट, फिर 3 मिनट का ऐसे 2 राउंड, फिर 3 राउंड, फिर 4 राउंड, 5 राउंड, 15 मिनट ऐसे कर सकते हैं लगातार। चलिए इसके बाद में 3रा प्राणायाम। जब एक प्राणायाम पूरा हो जाए तो थोड़ा सा बीच में विश्राम देना है, जैसे कह लीजिए 10 से 20 सेकंड। उसके बाद में 3रा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं हम, श्वास पहले भरते हैं फिर श्वास बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल के रोकते हैं, पेट अंदर खींचते हैं, कंठ को दबाते हैं और मूल बंद लगाते हैं। कंठ को दबाने का मतलब गर्दन नीचे नहीं झुकानी, सिर्फ गले को अंदर से दबाना है ताकि ब्लॉक लग जाए
और जितनी अग्नि पैदा हुई है कपालभाति प्राणायाम करने से उसका मेरे को पूरा लाभ। फिर ढीला छोड़ देना है, फिर श्वास भरना है, श्वास बाहर निकालना है, पेट को अंदर खींचना है, मूल मंत्र लगाना है, निष्कासन अंग ऊपर की ओर खींचने हैं और ऊपर से कंठ को दबाना है। बस इन आवृत्तियों को आप 4 से 5 बार कर सकते हैं, इससे मोटापे में बहुत जल्दी लाभ मिलता है। अब इसके साथ आपको 2 आसन सिखा देते हैं। चलिए लेटिए, सीधा लेट जाना है। ठीक है, ठीक है। सीधा लेट के शरीर को पहले ढीला छोड़ना है। हम पहले प्राणायाम करते हैं आसन से, ताकि हमारे शरीर में गर्मी पैदा हो और कहीं दर्द न लगे। आप दोनों टांगे जोड़ लेंगे, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, और एक टांग सीधी ऊपर 90 डिग्री पर लेके जाएंगे, फिर बहुत धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ऐसे, एक गति तेज नहीं होनी चाहिए। तेज गति होने से हमारे पेट के मसल ज़्यादा प्रभाव में नहीं आते। दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे आप 10 बार कर सकते हैं, फिर थोड़ा रुक के। चलिए अब दूसरा आसन है, दोनों टांगों को जोड़ के धीरे धीरे पहले 90 डिग्री पर, फिर वहाँ रुकना है। कई लोग बहुत तेज़ी से करते हैं, ऐसे रुकना है, फिर बहुत धीरे से नीचे आना, धीरे धीरे नीचे आना। बहुत से आसन जो हम करते हैं, जैसे हल आसन है, सर्वांग आसन है, विपरीत करणी आसन है, उनका जो आधार है, नौका आसन है, उनका जो आधार है, तो ऐसे आप 10-20 बार कर सकते हैं रुक रुक के। तो आपका पेट वाला हिस्सा जो है वो कम हो जाएगा, चर्बी कम हो जाएगी, मोटापे में लाभ मिलेगा। और इसके बाद में थोड़ी देर आप शव आसन में विश्राम करेंगे, और फिर 10-15 मिनट के बाद ही कोसा पानी पियेंगे, थोड़ा ल्यूक बॉम, और उसके बाद में फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। और बहुत अच्छा होता है जब आप फल खाते हैं सुबह। चलिए फिर आगे एक बार फिर से ऐसे ही कोई और विषय लेकर आपके पास आएंगे। धन्यवाद। क्या बन नहीं हुई, ओपनिंग खत्म। Thank you.